सो टॉकिंग अबाउट द इंडिया एंड न्यूजीलैंड मैच गोना हैपन दिस संडे एंड बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है। दोनों ही टीमें अपना पिछला पिछला मैच हार के आ रही हैं पाकिस्तान से। कंडीशंस ने थोड़ा फेवर नहीं किया है दोनों ही टीमों का, बट दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं और कम बैक करना जानती हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। और अगर मैं की प्लेयर्स की बात करूँ तो बैटिंग सेक्शन से इंडिया के लिए की प्लेयर होने वाले हैं केएल राहुल। इज़ अ ग्रेट कम बैक प्लेयर। पिछले मैच में बहुत ही अच्छी गेंद पे आउट हुए थे शाहीन शाह अफरीदी की, पर वो कम बैक करना जानते हैं एंड इज़ अ बिग मैच प्लेयर। साथ ही में विराट कोहली कप्तान पिछले इनिंग्स में 50 जमा के आ रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और इस मैच में भी वो रन स्कोर करने को देखेंगे। न्यूजीलैंड की तरफ से की बैट्समैन की बात करें तो नन अदर देन स्माइलिंग असैसिन दे कैप्टन केन विलियमसन, और दूसरा नाम डेविन कॉनवे। ऑन हिज डे ही इज़ अनस्टॉपेबल, कोई उनको रोक नहीं सकता है। बॉलिंग सेक्शन से पिक्स होंगी तो इंडिया के लिए ऑफकोर्स शमी का पिछला मैच कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा, उनका ऑफ डे था थोड़ा, और साथ ही बुमराह। ये दोनों गेंदबाज जानते हैं कि इन कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करना है। आईपीएल इन्होंने पूरा यहाँ खेला, इवन अभी प्रैक्टिस सेशन भी इनका बहुत अच्छा हुआ है और प्रैक्टिस सेशन इन्होंने एंजॉय किया है, कंडीशंस को थोड़ा और अच्छे से असेस करने की कोशिश की है। एंड शमी और बुमराह बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस टाइम पे कहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है। सिमिलरली न्यूजीलैंड के पास भी एक बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म तेज़ गेंदबाज हैं, ट्रेंट बोल्ट उनका नाम है, एंड अगर उनको स्विंग मिलती है स्टार्टिंग में तो रोहित शर्मा केएल राहुल दोनों को ही थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। जैसे कि कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है वर्ल्ड टी ट्वेंटी चैम्पियनशिप में, तो मैं इंडिया को सपोर्ट करूँगा। इंडिया की पहली मैच में बहुत बड़ी हार रह चुकी है, तो उनको यहाँ पर कमबैक करने का बहुत अच्छा मौका है। रोहित शर्मा और केएल राहुल जो नहीं खेल पाए थे पहली मैच में, तो वो अगर दोनों खेलते हैं तो इंडिया को एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। हमारे बॉलर्स जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे थे कुछ कारणों की वजह से, वो भी जब यहाँ पे एक चांस मिलने पर अच्छा परफॉर्मेंस देते तो कल की जीत तो बहुत ही पक्की है। न्यूजीलैंड की तरफ से देखा जाए तो उनके जो कैप्टन है केन विलियमसन और टीम साउदी जो है वो बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो उनका खेल देखने के लिए बहुत ही आनंद आएगा।